महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला उत्सव के दौरान हंगामा, हमले और हिंसा का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आप होला मोहल्ला के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं इस उत्सव के बारे में। सिख धर्म के अनुयायियों में होला मोहल्ला उत्सव का खास महत्व है। देश दुनिया में सिख धर्म के लोग इसे होली के एक दिन बाद मनाते हैं। कई बार यह होली से ही शुरू हो जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। सिखों के पवित्र धर्म स्थल श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहा जाता है। 6 दिन के इस भव्य मेले में विशाल लंगर का आयोजन होता है। यहाँ होली पौरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है, इसीलिए दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के लिए पुलिंग शब्द होला मोहल्ला का प्रयोग किया। गुरुजी इसके माध्यम से समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की प्रगति चाहते थे। होला मोहल्ला का उत्सव आनंदपुर साहिब में 6 दिन तक चलता है। इस अवसर पर घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। पंज प्यारे जुलूस को नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और जुलूस में निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाते हुए बोले सोनिहाल के नारे बुलंद करते हैं। आनंदपुर साहिब की सजावट की जाती है और विशाल लंगर का आयोजन किया जाता है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं इस मेले की शुरुआत की थी। यह जुलूस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। यह त्यौहार सिखों में वीरता का रस भरने के लिए शुरू किया गया। श्री आनंदपुर साहिब के निकट गांव अगमपुर के स्थान पर एक खुले मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 फरवरी 1701 को सारी संगत को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर श्री आनंदपुर साहिब से वहां पर पहुंचने के लिए कहा। यह होली के दूसरे दिन की बात है। गुरु जी ने इस खुले मैदान में सिख योद्धाओं को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनके घुड़सवारी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, गत्तक्का और कुश्ती के मुकाबलों का आयोजन शुरू किया। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए एक दूसरे समूह पर बनावटी हमला करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस बनावटी प्रहार के त्यौहार को नाम दिया गया होला मोहल्ला। भाई काहन सिंह नाभा महान कोश में होला मोहल्ला को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि शब्द होला एक सैन्य प्रभार शब्द से लिया गया है और मोहल्ला शब्द का अर्थ है सिखों का संगठित होना या एक सेना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण होला मोहल्ला पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके विरोध में तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने कहा महामारी के चलते होला मोहल्ला का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। गुरुद्वारा कमेटी को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे हमारे निर्देशों का पालन करेंगे और कार्यक्रम गुरुद्वारे परिसर के अंदर ही करेंगे। जब निशान साहिब को शाम 4 बजे द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे से बाहर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मी पर हमला करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।